चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कब से आपको ये हार्ट अटैक की या दिल की? 3 साल तो जी बिल्कुल हो गई है। 3 साल तो मैं मतलब 2 साल लोग तो 2 साल 4 महीने दवा खाई मैं पंत की। 8 महीने जब लॉकडाउन से लगाई हूँ जब से मैं बंद करी दिया दवा, क्यों डर की वजह से हम गए नहीं वहाँ। तो शुरुआत में कैसे लक्षण लगे थे आपको? शुरुआत में मैं मतलब कहने लगे खाना वाना खा गया यहाँ से पर मतलब घर पर लेट गया, जैसे यहाँ लेट गया खाट बिछ लिया और लेटने के बाद में जी मेरा यहाँ से ये जो है शरीर सिर में दर्द हो गया, यहाँ से नाड़ में दर्द हुआ और नाड़ में दर्द होगा हाथ पाँ मेरे हाथ पाँ लटक गए। तो पंत में इलाज कब से चल रहा है? पंत में इलाज चला जी मेरा 3 साल। इसमें कितना खर्चा आ जाता है दवाइयों में? दवाई में तो बदरा खर्चा आ जाए मतलब यहाँ से मतलब अगर जो दवाई दिल्ली से फ्री मिले और वहाँ से जाने आने में मतलब कहने का 2,000-2,200 रुपये हमारे उड़ जाते हैं, खाने पीने में भी रहने सहने में भी रात को रहना पड़ता है। घर में किस तरह की दिक्कतें हो जाए? दिक्कत हो गया जी, बुरा हाल हो रहा है। दवाई के लिए कैसे इंतजाम करते हैं? अर्जी कर दी करने का। कहीं से कोई मदद भी मिली आपको? मत गोद लगाने हैं तो कोई मदद नहीं मिली जी। हाँ जी कोई मदद किसी से नहीं मिली। फार्म गिरा सब काम करा कुछ भी नहीं आते हैं। अजय कल था ये सारा सोचा में काफी आता होगा। जी हाँ ये रिपोर्ट सपोर्ट सब होती है। ऊपर चढ़ गया खाट पे। इस बीमारी के आने के मुख्य कारण क्या होते हैं? इसका देखिए कारण तो इसके बहुत सारे हैं, जो इसके कोज होते हैं मेन कोज इसका ये है आज के टाइम पे हमारा खान पीन। जैसे कि हार्ट की कोई भी हमें डिजीज़ होगी वो डिपेंड करती है कि हमारे ब्लड क्लोट होना, जो हमारी आर्टरीज होती है उनमें ब्लड का धक्का जम जाना, ब्लड क्लोट हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, उससे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, अटैक आ जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा इसका वजह है मिलावट का होना। दूसरा हमारे पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तनाव भरी ज़िंदगी है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। देखिए आजकल इसमें कोई उम्र नहीं रही, किसी भी उम्र में हो जाता है लेकिन 35 के बाद ये ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं एंजाइना पेंस वगैरह है तो वो मेडिसिन से कवर हो जाता है, अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो गया और स्टेंट वगैरह गिरने हैं या बाईपास सर्जरी होनी है तो उसमें लाखों के हिसाब से खर्च होता है और एक गरीब या मजदूर आदमी वो अफोर्ड नहीं कर पाता। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आप तनाव से दूर रहें, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और रोज़ योगा या एक्सरसाइज करें। कब आपको पता चला? मेरे साथी में जो है उल्टी तरफ दर्द सा होने लगा, मैंने जाकर मैं सोचा मैं पहले चेकअप कराऊँ, और चेकअप कराने पर वैसी दवा खावें तो उसमें दिक्कत आवेगी। मेरे 3 स्टैंड पड़े। कितना खर्च स्टैंड डलवाने में आता है एक मरीज को? वैसे दिल्ली तो जो है मतलब 25,000 में एक स्टैंड गिर दे, मेरे जो है 1.5 लाख रुपये लिए 3 स्टैंड के। कितना टाइम हो गया आपको स्टैंड डले हुए आपके?
तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए। लॉकडाउन के दौरान उनका देहांत हुआ, उनको किस तरह की दिक्कतें थी? जरा तो उसके भी छाती में बना था, मैं कहा भी मगर भाई ये तो इसका भी चेकअप करा ले, अटैक बढ़ गया तो भारी पड़ जा बात। क्या नाम था आपके भाई का? सनावर। इलाज के लिए कैसे किया आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहा। ये दिक्कतें दूर हो सकती है इलाज के लिए? जो दिक्कतें तो काफ़ी दूर होंगी, बहुत से को अटैक पड़ गया, इतने वहाँ लो ले जाए, श्याम ले ले, इतने रास्ते में काम भी हो ले।